मशरूम अंगारा के लिए सबसे पहले हमें ग्रेवी का बेस बनाना होगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, आप तेल और बटर दोनों भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने ये 2 बड़े साइज के प्याज रफली कट किए मैंने, अनियन, और 1 टोमेटो और एक पाँच से सात लहसुन की कलियाँ, ये तीनों को हम अच्छे से सौते करेंगे। और उसी में मैंने 1½ मगज़ लिया है, यानी मेलन सीड्स, और 13 से 15 काजू टुकड़ा लिया है, या फिर होल काजू भी आप ले सकते हैं। तो ये भी हम इसी में डालेंगे फ्राई होने के लिए। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, एकदम अनियन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट उसका थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक 1-2-4 मिनट हम इसको पहले सौते करते हैं अच्छे से, और फिर ढक्कन रख के थोड़ा सा स्टीम पे इसको हल्का सॉफ्ट होने तक इसको कुक करके लेंगे। यहाँ पे मैं लिड रख के मीडियम फ्लेम पे 1-2-3 मिनट तक इसको पका के लूँगी, थोड़ा सा अनियन और टमाटो गल जाने तक। 3 से 4 मिनट हो गए, अभी हम इसका लिड निकाल के देखते हैं। काफ़ी अच्छी स्टीम पकड़ी है, तो अनियन भी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, टोमेटो भी सॉफ्ट हुए होंगे, प्रेस हो रहे अच्छे से, अनियन भी सॉफ्ट हो गए। अभी मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ, और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सर करके इसकी फाइन पेस्ट बना के लेंगे। मिक्सर करते वक्त मैं इसमें ये 3 मैंने कश्मीरी रेड चिली, ड्राई रेड चिलीज को थोड़ा सा उसका बीज निकाल के पानी में सोक करके रखा था, तो ये 3 कश्मीरी रेड चिली इसके साथ में ड्राई करूँगी कलर के लिए, इसकी वजह से कलर बहुत बढ़िया आता है। इसी पैन में, इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा फिर से 2 टेबलस्पून तेल गरम करके लिया है। अब हम इसमें, आप बटर तेल मिक्स ले सकते हैं, मैंने बटर नहीं लिया है, आप चाहे तो ले सकते हैं। 1 तेज पत्ता तोड़ के मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी दालचीनी 1-2 टुकड़ा, और थोड़ा सा शाही जीरा, और इसके ऊपर हम अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फ्लेम मैंने थोड़ी सी स्लो ही रखी है, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐसे 1 टेबलस्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, सौते करने के बाद, जो हमने अनियन, टमाटर और कैशू की पेस्ट करके लिए रेड चिली डाल के, वो पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। रेड चिली डालने के बाद ऑरेंज जैसा बहुत बढ़िया कलर इसका आया है। अब तेल और जिंजर गार्लिक के ऊपर अच्छे से मैं इसको फ्राई करके लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, और थोड़ा सा उसको हल्का सा बॉयल आने तक हम कुक करके लेंगे। इसी टाइम मैं मसाले ऐड करती हूँ, मसाले के साथ कुक होना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ये थोड़े स्पाइसी वाली है, हमने कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड की थी। आप चाहे तो थोड़ा सा डार्क रेड कलर चाहिए मार्केट जैसा, तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, रेड वाला, ऑरेंज रेड कलर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये किचन किंग मसाला यूज कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून जितना। आप रेगुलर गर्म मसाला भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके लेंगे हम मसालों को भी। बारिश की वजह से नेचुरल लाइट बहुत कम रहती है, इसके लिए
कलर थोड़ा सा लाइट लगता है शूटिंग के वक्त, बट इसका कलर सच में मिर्ची डालने के बाद ओरिजिनल में बहुत बढ़िया दिखता है। आप ये रेसिपी इसी मेथड से जरूर ट्राई करना, एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनेगी। थोड़ा सा इसमें हम अभी सीजनिंग के लिए सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट। और इसी वक्त अभी इसको हल्का बॉयल आने चालू हो गया है, मैं थोड़ा सा इसमें दही ऐड करती हूँ। वन टेबल स्पून जितना ऐसा, वन से एक से डेढ़ दो टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया। अब हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे। रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली या फिर रेड चिली पाउडर आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। ये वन पैकेट मशरूम को मैंने क्लीन करके बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है, वो पूरा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको अभी हम ढक्कन रख के एक दो चार मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। वैसे मशरूम जल्दी कुक हो जाते हैं, तीन चार मिनट में ये सब्जी कुक हो जाएगी, क्योंकि अनियन टमाटर ये सारी तो हमने ऑलरेडी कुक करके ही लिया था। तो अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कुक करती हूँ। एक तीन चार मिनट बाद मैं इसका लीड ओपन करती हूँ। सब्जी अच्छे से कुक हो गई है, इसकी फ्लेम ऑफ करके अभी हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रश कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा कटा धनिया, हरा धनिया और फ्रेश क्रीम एक हाथ टेबलस्पून जितनी फ्रेश क्रीम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हमेशा फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी लास्ट में ही ऐड करना, क्रीम डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं होता है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ करके ये ऐड किया है। हमारी बढ़िया सी ऐसी है अंगारा मशरूम रेडी है, लेकिन अंगारा मशरूम अगर नाम है तो इसको स्मोक भी देना ज़रूरी है। तो एक साइड मैंने थोड़ा सा चारकोल गर्म करने के लिए रखा है, उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से फूल जाने के बाद हम चारकोल का इसमें कोयला का स्मोक देंगे। यहाँ पे मैंने चारकोल को अच्छे से गर्म करके लिया है, एकदम लाल लाल ऐसे हुआ है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ, आप बटर या घी भी डाल सकते हैं, और इमीडिएटली इसको ढक देना है। ये जो बढ़िया सा स्मोक जमता है उसके वजह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो इसके बाद हम इसका स्मोक कंप्लीट जाने तक इसको ढक के ही रखेंगे, और दो मिनट बाद में ये ढक्कन खोल देती हूँ, उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा मशरूम अंगारा रेडी है, आप इसे रोटी नान या फिर फुलका के साथ भी सर्व कर सकते हैं।